हेलो गाइस, अभी मैं ब्रेड सैंडविच बनाऊंगी तो उसके लिए प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ काट ली हूँ जो डालना है मुझे। और आलू अच्छे से बॉईल कर कर रखी थी, इसे अच्छे से मतलब चिकना कर ली हूँ। इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी डालूंगी, शिमला मिर्च, गाजर सब कुछ डालूंगी, प्याज, हरी मिर्च सब कुछ फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई कर कर इसे आलू भी डालूंगी, इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी, मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी डालकर थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी इसमें। सब कुछ आप सबको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूंगी इसमें। डालकर आलू में अच्छे से मिला लूंगी। आलू अच्छे आलू को अच्छा से चिकना से ही करना है, मतलब पूरा चिकना करना है इसमें। और धनिया ऊपर से डाल दी। ये ब्रेड ली हूँ, ब्रेड में पहले हरी चटनी डाल रही हूँ। हरी चटनी डालकर इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डालूंगी, पनीर भी डालूंगी। पहले हरी चटनी लगा रही हूँ मैं, अब इसके ऊपर आलू डाल दी मैं। और एक में सॉस डाली हूँ, मीठा वाला सॉस डाली हूँ एक साइड में, और एक साइड में हरा चटनी डाली हूँ, नमकीन चटनी। इसमें सॉस डाल दी, इसे अच्छे से मैं मिला ली। इसमें चीज़ भी डालूंगी, एक लेयर वाला चीज़ डालूंगी, और बोत में कद्दूकस कर डालूंगी। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी डाल दी मैं एक साइड में, इसमें भी अच्छे से चिपका दी मैं। इसमें पनीर का टुकड़ा पतला पतला काट कर रखी थी तो पनीर डाल दी। थोड़ा सा हरा सब्जी भी डाल दूंगी, जो जो मेरे पास सब्जी है तो पनीर भी लगा दी मैं। एक में दिखा नहीं पाई मैं, उसमें मैं स्लाइस डाली थी चीज़ का, टमाटर भी डाल दी, शिमला मिर्च भी डालूंगी, स्वीट कॉर्न भी डाली हूँ मैं, थोड़ा खीरा भी डाल दी एक एक कर कर। बहुत अच्छा लगेगा, पूरा हेल्दी भी होगा, बच्चों के लिए सब्जी भी हो गया, थोड़ा सा प्रोटीन भी होगा, मतलब सब कुछ मिल गया। थोड़ा सा प्यारी प्यारी मसाला भी डाल दी, चिली फ्लेक्स भी डालने मतलब जो है पिज्ज़ा थोड़ा सा कुछ डाल सकते हैं तो मैं डाल दी, मेरे पास जो जो था। इसे नॉन स्टिक बर्तन में ही डालूंगी। मानसी पूरा चीज़ को मतलब अच्छे कद्दूकस की थी तो डाल दी मैं एक में, तो मतलब चीज स्लाइस चीज़ ही डाली थी। इसमें कद्दूकस कर डाल रही हूँ मैं, इसमें और भी सॉस लगा दी, बहुत चटपटा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बटर डाल दी, बटर डालकर इसमें रख दी। चार पीस ब्रेड का बनाऊंगी, बहुत अच्छा बनेगा, कड़ाड़ा सा बनेगा। और इसके ऊपर एक प्लेट रखकर मलगस्ता से इसे दबा दी, दोनों साइड इस तरह दबा दबा कर बनाना है, बहुत अच्छा बनेगा, पक भी जाएगा, बहुत अच्छा सा पकेगा ये। तो एक साइड हो गया, मैं दूसरा साइड पलट दी, दूसरा साइड भी इसी तरह दबाकर मतलब सेकना है, तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा पक जाएगा ये, देखने में भी अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। मतलब नॉन स्टिक बर्तन में बनेगा तो ये जलेगा नहीं। ऊपर से भी मसाला में डाल दी पेरी पेरी। बस मेरा रेडी हो गया हरा चटनी, और थोड़ा सॉस के साथ दूंगी खाने के लिए। मैं इसे कटिंग कर दूंगी, काट दूंगी, देखिए काट रही हूँ, इसे आराम आराम से काटना है, थोड़ा भी नहीं निकलेगा। मेरा तैयार हो गया, अब मैं दे दी खाने के लिए बच्चों को। आज छुट्टी है तो आज इनका यही रहा नाश्ता। अब मैं चने दाल, ओट्स और बथुआ के साग का चिल्ला बनाऊंगी, तो टमाटर, प्याज, गाजर, जितना मेरे पास सब्जी का, शिमला मिर्च सब कुछ डाल दी। दाल को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं पीस लेती हूँ, पीस ली मैं दाल, दाल और ओट्स दोनों मिक्स कर पीसी हूँ, पानी थोड़ा सा डाली हूँ। बहुत हेल्दी भी होगा, पेट भी भर जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा हो गया दाल में तो पेट भी अच्छा से भर जाएगा, सब्जी भी मतलब हो गया, बथुआ भी आ गया। बथुआ भी खाने में सर्दी में अच्छा लगता है, फ़ायदा भी करता है, बथुआ खाने से मतलब अपना वजन भी कम होता है, इसमें वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा करता है बथुआ का साग। तो मेरा ये तैयार हो गया, सब कुछ डाल दी, इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी डाल दी, और इसे अच्छे से मिला ली। तेल में बनाऊँगी इसे, मिलाकर अच्छे से फेंट लेती हूँ। सरसों का तेल डाली, थोड़ा सा डालकर इसे सेक ली, दो दो चम्मच डाली और थोड़ा सा फैला दी मैं। ये टूटेगा भी नहीं थोड़ा सा भी, देखिए टूटा भी नहीं मेरा। पलट दी मैं इसे भी हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ खाना है। इसे एक एक कतर में बना रही हूँ, जाली वाला प्लेट में रखी हूँ, नीचे से थोड़ा भी सेम नहीं होगा। दूसरा भी दिखा रही हूँ, दोनों साइड पलट पलट कर बना रही हूँ। ये भी नहीं टूटा मेरा, नहीं टूटेगा, आराम से तवा गर्म हो जाए, सरसों तेल देकर धीमी आंच में पकाना है तो धीमी आंच में पका रही हूँ। पहले तेल थोड़ा सा गर्म कर ली, गर्म हो गया तवा, फिर तेल डालकर बनाती हूँ। मतलब तवा गर्म होना चाहिए, नहीं चिपकेगा, लोहे का तवा में भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा।
तो मैं एक एक करके बना आपको दिखा रही हूँ बनाते हुए भी। तेल डाली, फिर इसमें 2 चम्मच डालूंगी, डालकर चम्मच से फैला दूंगी इसे। चम्मच से ही धीरे धीरे फैलाना है, नहीं टूटेगा, आराम आराम से फैला देना है, बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर आराम आराम से बनाए, अच्छे से अगर पक जाए फिर इसे पलट दे तो नहीं टूटेगा एक भी। मैं बनाई, मेरा टूटा भी नहीं, दी भी इन्हें खाने, इन्हें बहुत अच्छा लगा, बोले अच्छा है, खा लेने से पेट बड़ा बड़ा सा लगेगा। अगर ज़्यादा प्रोटीन का सामान खाने से भूख भी कम लगता है। तो मैं आज छुट्टी था मंडे को राम मंदिर की वजह से, इसलिए मैं आज यही बनाई नाश्ता में। घर में काम भी लगा हुआ था तो सोची यही बना लेती हूँ, तो मेरा आज का नाश्ता यही रहा। ये थोड़ा सा पलटने में ये हो गया मगर ठीक हो गया फिर, तो आज मैं यही बनाई, सबको यही खिलाई, मेरा आज का यही खाना हुआ। अब रात में कुछ बनाऊँगी, इससे सबका खाना भी हो गया, मेरा भी आराम हो गया थोड़ा। तो आप सबको कैसा लगा, आप सब भी बनाना इसका चिल्ला, ओट चने दाल का और बतुए के साग डालकर, हरा सब्जी, प्याज जितना कुछ डाली हूँ, लहसुन भी डाली थी बारीक बारीक कटा हुआ, धनिया भी डाल दी, धनिया नहीं डाली थी ना के बराबर, थोड़ा सा डाली थी मैं सिर्फ स्वाद के लिए, मैं बतुआ डाल दी थी इसलिए देखने में भी अच्छा है, हल्का हल्का बना भी है बहुत अच्छा, खाकर पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। तो आज मैं यही नाश्ता रहा मेरा, आप सब भी बनाना जरूर।